हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और फ्रेंड्स, ईपीएफओ की तरफ से पीएफ ईपीएफ से संबंधित दो अपडेट निकल के आ रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस तरह के अपडेट देते हैं हम आपको सबसे पहले, और आगे भी कोई ईपीएफओ की तरफ से अपडेट आएगा ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित ईपीएफ पीएफ से संबंधित, तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप तक वीडियो बना के शेयर करें। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ, जो दो अपडेट निकल के आ रहे हैं पीएफ ईपीएफ से संबंधित। तो फ्रेंड्स, पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बिहार के पटना से। हाईकोर्ट के आदेश पर 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मियों को ईपीएफ का लाभ। मैं आपको बता देता हूँ, पटना हाईकोर्ट के आदेश से राज्य के 1.25 लाख से ज्यादा आउटसोर्स व कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को ईपीएफ का लाभ मिला। सरकार ने ईपीएफ कानून का पालन करते हुए 64 करोड़ रुपए का अंशदान इन कर्मियों को जमा कराया। केंद्र सरकार ने अपनी जवाबी हलफनामे में कोर्ट को यह जानकारी दी। अधिवक्ता शंभु शरण सिंह की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यदर्शी संजय ने इस बात की जानकारी दी। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हरियाणा के फतेहाबाद से। कर्मियों की ईपीएफ और ईएसआई कटौती नहीं करने पर दो कंपनियों पर केस दर्ज। शहर पुलिस ने ठेके पर लगाए गए कर्मचारियों की ईपीएफ व ईएसआई से संबंधित अनिवार्य कटौती नहीं करने पर दो कंपनियों को नामजद किया है। पुलिस ने राज्य के प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान रोहतक के संयुक्त निदेशक एम प्रधानाचार्य राजकुमार की शिकायत पर सीएम विंडो के मार्फत मिली शिकायत के आधार पर हिसार की मैसर सिंहामार सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विस तथा पावर सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी के खिलाफ धारा 406-420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस को दी शिकायत में राजकुमार ने बताया कि सीएम विंडो से 5 अक्टूबर 2018 को प्राप्त शिकायत की जांच उन्होंने समय 13 जून 2019 को टोहान के राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान में की थी। जांच में यह पाया गया कि मैसेज सिंह मार सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विस तथा पावर सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी द्वारा जुलाई 2015 से फरवरी 2017 तक उनके अधीन ठेके पर लगाए गए कर्मचारियों की ईपीएफ व ईएसआई से संबंधित कोई भी अनिवार्य कटौती नहीं की गई है। अधिकारी ने शिकायत देकर आग्रह किया कि उक्त दोनों कंपनियों के खिलाफ भारत दंड अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करे। तो फ्रेंड्स, ये दो अपडेट निकल के आ रहे थे पीएफ ईपीएफ से संबंधित। तो इस तरह के अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो पीएफ ईपीएफ से संबंधित जो भी कोई अपडेट आता है, ईपीएफओ की तरफ से जो भी कोई अपडेट आता है, पेंशन से संबंधित ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो भी कोई अपडेट आता है, हम कोशिश करते हैं सबसे पहले आप तक शेयर करें। तो इस तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी दबाए। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ।